now he is back, ladies and gentlemen, with Gandhi Godse Ek Yudh. So it's an honor for me to share the stage with you, and looking forward for this amazing movie. I would request you to please address the press. Namaskar, aap sabko. मुझे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने ये विजुअल्स जो भी देखा आपने. एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ. एंड मुझे अच्छा लगा लोग आए थे. गांधी जी अमर रहे. गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है. और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमान ना करना या उनके बारे में बुरा कहना ये मेरा भी इरादा नहीं था. मैंने सच पेश करने की कोशिश की है. और मैं यहाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा. उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और इनक्रेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए. जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ. एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है godse@gandhi.com, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल. कैन यू हियर मी और आई एम ऑडिबल? अच्छा, लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार मेरे को देखने के लिए? चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और बिल्कुल विदाउट बींग पार्शल टू एनीबडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूँगा. और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा. सेंसर भी पिक्चर हुई, दो बार सेंसर हुई, और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने, जिन लोगों ने देखा. हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है. और इसमें डायलॉग गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है. और गोडसे जी का भी जो संवाद है वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं. सिनेमेटिकली ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं. ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ. इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में. कई एक्टरों ने पहले भी किया है बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ. और कई लोगों ने जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी पिक्चर की, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन जाएगा गांधी जी और दीपक अंतानी में. ओके, एंड उसको माइक दे रहा हूँ. किसी को कुछ पूछना है, एक सेकंड दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम. मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है. मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है. और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ. ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे. और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का वो सफल रहेगा. थैंक यू. देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है. चाहे तो एक दिन में कौन से बन सकता है, आधी बनने में पूरी बन जाए. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी जो हमारे दोस्त हैं, उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में. जय हिंद, जय श्री राम. मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला, तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूँ. और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, गांधी जी का विरोधक नहीं हूँ पर गोडसे जी का समर्थक हूँ, क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई
तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं, गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय जजमेंट लोगों को लेने दीजिए, हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है, तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हो। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है जी, अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल, अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ क्या बैन करोगे? अरे हिंदू का बच्चा हूँ क्या बैन करोगे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हुआ पिक्चर में? एक सेकेंड देखो, शांति, एक सेकेंड। हाँ जी मैं मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। हाँ ठीक है जी, अरे निकालो लोगों, बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत शांत हो जाइए, बोल दिया, प्लीज प्लीज जरा शांत, जरा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ साहब मेरी नहीं चलेगी, आप दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है ओके, दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे और अमर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पॉर्टेंट देश है, और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया उसके हिसाब से, उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके, मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं, वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी, किस बात का डर था, वो सुन लेते थे लोग। जाना सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है, और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं जानता नहीं हूँ, तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं?